हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल अल्फा ओवरसीज। आपका बहुत ही हार्दिक स्वागत है सभी लोगों का हमारे अपने यूट्यूब चैनल अल्फा ओवरसीज पर। सो गाइस, बेसिकली आप जानते हो कि हम क्या बातें करते हैं, क्या टॉपिक आपके साथ शेयर करते हैं, न्यूज़ आपको शेयर करते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ की जॉब ऑफर आपको बताते हैं, जो भी ऑनलाइन आए हों या कोई भी कंपनी के वेबसाइट्स पे वो उन्होंने वैकेंसीज डाली हो, तो सारी चीज़ें आपको हम बताते हैं। सो गाइस, आज का जो बेसिकली हमारे टॉपिक है, जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, वो ये है कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो कैनेडियन वर्क परमिट। ओके, सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए चाहिए होगी जॉब, तो वो भी हम इस वीडियो में बताएंगे। सो गाइस, जो जॉब है वो आपकी RNIP में एक कम्युनिटी आती है ऑनटेरियो करके। ओके, सो ऑनटेरियो आपकी एक कम्युनिटी है जो कि RNIP प्रोग्राम में आती है। अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हो कैनेडियन PR, तो आप ऑनटेरियो कम्युनिटी की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, जो कि आज मैं आपको बताऊंगा। ऑनटेरियो कम्युनिटी की जॉब है ऑनटेरियो जो है वो आपका RNIP प्रोग्राम के अंडर वो कम्युनिटीज में आता है। ओके, तो आप अप्लाई करना चाह रहे हो कैनेडियन PR, तो आपको सबसे पहले चाहिए होगा वर्क परमिट। तो इस टॉपिक में वर्क परमिट की बेसिकली हम बात करेंगे। सो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, अगर आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट बनता है गाइस। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, बेसिकली जैसे मैंने बता दिया कि हमारा आज का टॉपिक क्या है, तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहूँगा कि जो जॉब वैकेंसी है वो आपकी जनरल लेबर की है। ओके, सो जैसे मैंने आपको बता दिया कि जो कि ये हमारे पास आज जो हम आपके लिए जॉब लेकर आए हैं, वो ऑनटेरियो में आपका जनरल लेबर का वर्क रहेगा। एंड जो ऑनटेरियो है वो आपकी एक कम्युनिटी है जो कि RNIP प्रोग्राम में आती है, जिससे कि आप अपना कैनेडियन PR अप्लाई कर सकते हो। तो उसके लिए वर्क परमिट चाहिए तो जॉब चाहिए। तो सारा प्रोग्राम जो है आपका स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कि आपको जॉब चाहिए रहेगी पहले, फिर वर्क परमिट, एंड देन वर्क परमिट 3 साल वर्क करने के बाद कैनेडियन PR अप्लाई कर सकते हो। ओके, सो जॉब आपकी जनरल लेबर की है। सैलरी गाइस अभी आपकी नहीं बताई गई है। सैलरी जो है जब आप अपना रेज्यूम अपलोड कर दोगे, ओके, देन 3 to 4 days वर्किंग में आपको, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो, बेसिकली इसमें कोई ऐसा एक्सपीरियंस की तो वो नहीं है रिक्वायरमेंट कोई भी, तो आपका ये है कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप 101% सिलेक्शन का तो चांसेस रहेगा, अगर मैं यूँ बोलूँ, क्योंकि उन्होंने कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। बस आपको कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स बताऊंगा जिनको आपको पास आउट करना है। ओके, सो आप अप्लाई कर सकते हो ईजिली, बहुत ही एफिशिएंटली, बिना कोई एजेंट एंड कंसल्टेंट के, खुद से, वो भी ऑनलाइन। ओके, ऑनलाइन पोर्टल्स ऐसे बताऊंगा, एंड बेसिकली डायरेक्ट मैंने वहां का लिंक दिया हुआ है, जो जॉब पेज हमने देखा था, तो वहां का डायरेक्टली लिंक दे दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। बट गाइस, अभी मत जाना, पहले वीडियो को समझ लो फिर जाना, क्योंकि अगर छोड़ के चले जाओगे तो कुछ नहीं है, फिर से बाद में आओगे एंड कमेंट बॉक्स में लिखोगे सर यहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओके, सो अच्छे से समझो। सो जनरल लेबर का वर्क रहेगा, सैलरी आपकी रेज्यूम अपलोड करने के बाद जब आपको कंपनी कॉन्टैक्ट करेगी, देन वो आपको बताएगी। ओके, सो गाइस, हमें अगर यूँ बताऊँ तो क्या करना है इस जॉब को अप्लाई करने के लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, आपको बेसिक मैथ्स एंड मेजरमेंट करना आती हो। ओके, आपको इक्विपमेंट्स के बारे में मालूम है, कौन सा इक्विपमेंट क्या हो, अच्छे से बातचीत एंड कन्वर्सेशन करना आती हो। ओके, लिखना पढ़ना आना चाहिए। ओके, वो भी इंग्लिश में, एंड आप हाई स्कूल या इंटरमीडिएट पास हो तो अच्छा है, आप अप्लाई कर सकते हो। सो ये कुछ रिक्वायरमेंट हैं जो कि बहुत ही बेसिक हैं। आपको मेजरमेंट, मैथ्स, कन्वर्सेशन आपसी में अच्छे से करना आना चाहिए, इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए, लिखना आनी चाहिए, कैलकुलेशन करना आनी चाहिए, क्योंकि देखो जनरल लेबर का वर्क क्या रहता है, या मेजरमेंट करते हैं, या कोई ऐसा आयरन रॉड कटवा लें, ये करवा लें, तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। आपको वेट वेविंग भी करना पड़ेगी, आपको कभी अगर बोल दिया जाए कि ये कट करो इतने मेजरमेंट पे, तो आपको मेजरमेंट भी करना आना चाहिए, कैलकुलेशन करना आना चाहिए। तो ये थोड़ा बहुत ओवरव्यू बता रहा हूँ मैं आपको जॉब के बारे में, बट अगर आप डिटेल में समझना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाके क्लिक करना एंड अच्छे से समझ लेना। ओके, सो ये कुछ जॉब के ओवरव्यू इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपको बता रहा हूँ। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल यंगर बंदे चाहिए हैं जो कि हेल्दी हों, क्योंकि
आपकी एज अगर ज़्यादा होगी तो देन आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। 40 के अबव मैं तो प्रेफर करूँगा, वहाँ पर ऐसा कुछ लिखा नहीं था, बट मैं प्रेफर करूँगा कि जो 40 साल के अबव के एज के बंदे वो ना अप्लाई करें, ओके, क्योंकि उनका सिलेक्शन होने में दिक्कत आएगी, क्योंकि उनकी एज ज़्यादा है तो उनका, जब जाहिर सी बात है जैसे जैसे एज बढ़ती है तो गाइस हमारी बॉडी भी धीरे धीरे वर्किंग उसकी स्लो होती रहती है, तो इसलिए जितने यंगर बंदे हैं उनको मैं प्रेफर करता हूँ इस जॉब के लिए, वो अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं ईजिली, ओके। सो गाइस मैंने ओवरव्यू आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है, कोई भी इसमें एक्सपीरियंस प्रेफर नहीं है, ठीक है, बस आपको जनरल लेबर का अगर एक्सपीरियंस हो या आपके पास कोई ऐसा सर्टिफिकेट हो जनरल लेबर का, एंड अगर आपने कोई अच्छी कंपनी में वर्क किया हो तो आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हो उनके साथ, कंपनी वालों के साथ। सो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी, एंड अब बताऊँ आपको अप्लाई कैसे करना है। सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हमारा जो लिंक हमने दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप सीधे पहुंच जाओगे उस पेज पे जहां पर सारी डिटेल्स लिखी हुई है आपकी जॉब्स के बारे में। जॉब्स के बारे में सब पढ़ लेना, सब इंग्लिश में लिखा होगा, अच्छे से समझ लेना क्या वर्क रहेगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसा बंदा चाह रही है कंपनी, सारी चीज़ें वहाँ पर मेंशन होगी। अप करना, अप करने के बाद नीचे आप देखोगे अप्लाई करके बटन आएगा, अप्लाई पे क्लिक करना, देन आपको एक पेज ओपन होगा जहाँ पर आपको अपना नेम, सरनेम, आपका एज, ए टू जेड सारी चीज़ें, अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, एंड आपको ये मत भूलना अपना नंबर डालना एंड अपनी जीमेल आईडी डालना, एंड आपको रेज्यूम भी अपना अपलोड वहीं करना है। रेज्यूम अपलोड करने के कुछ दिन बाद, जैसे बेसिकली अगर कहा जाए तो 3 से 4 दिन में वो आपसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे। सो ये समझ लो कि 3 से 4 दिन में आपका जो आंसर होगा वो उनकी तरफ से आ जाएगा। अगर आप सेलेक्ट हो जाओगे तो देन आपको वर्क परमिट के लिए वेलकम किया जाएगा कि आप अप्लाई कर सकते हो, यू आर वेलकम कि आप अप्लाई कर सकते हो हमारी कंपनी में वर्क परमिट, ओके, एंड जॉब आपको मिल सकती है। सो ऐसे करके एक मैसेज आएगा जो कि आपकी जीमेल पे आएगा। सो जीमेल का आपको ध्यान रखना है, अगर हर दिन एक दफ़ा सुबह उठ के ज़रूर चेक करना, कभी ना कभी आपको उन 3 से 4 दिनों में आ जाएगा। ये बहुत ही, मतलब मैं ये कह दूं कि ये तो ऐसा होना ही है, 3 से 4 दिन में वो आंसर दे देते हैं, ओके। सो आपको रोज़ चेक करना है अपना जीमेल कि अब आया या नहीं आया, क्योंकि आप अगर केयरलेस हो जाओगे तो देन तो हो गया, फिर आप नहीं अप्लाई कर पाओगे, ओके। तो केयरलेस मत होना, हर दिन चेक करना 3 से 4 दिन, अगर ज़्यादा हो जाए तब भी कोई बात नहीं, आपको चेक करना है अपना जीमेल रोज़ सुबह उठ के कि देखूं कि आया या नहीं आया। सो एक दफ़ा जब आपका आ जाएगा तो देन आप वर्क परमिट अप्लाई कर लोगे आराम से। एंड आपको डॉक्यूमेंट्स बता दूं, हर एक वर्क परमिट चाहे वो कोई भी कंट्री का हो तो उस वर्क परमिट में आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जो कि 5 से 6 लगते हैं। एक आपका पासपोर्ट लगता है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगता है, आपका एजुकेशन लगता है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगता है, ना आपकी CV लगती है, ओके। एंड अगर आपके पास ट्रेड टेस्ट सर्टिफिकेट हो तो वो भी आप लगा सकते हो जनरल लेबर का, ओके। सो ये कुछ 5 से 6 डॉक्यूमेंट्स रहेंगे जो कि वो आपसे मांगेंगे डायरेक्टली, एंड कैसे स्कैन चाहिए, कैसी PDF चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको वो बता देंगे, ओके। सो डायरेक्टली आप कंपनी से ही बात कर पाओगे, कोई भी कंसल्टेंट या एजेंट की आपको ज़रूरत नहीं होगी, तो यहाँ पर ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। सो गाइस अगर आज की हमारी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना, एंड अगर ऐसी ज़रूरत फील हो कि दूसरों तलक की भी इन्फॉर्मेशन पहुँच जानी चाहिए, उनको भी ज़रूरत है ऐसी इन्फॉर्मेशन की, तो उनके तलक भी पहुँचा देना। सो गाइस यहीं पे ख़त्म होती है हमारी आज की इन्फॉर्मेशन, आज की मुलाकात होती है हमारी आज की ख़त्म। सो गाइस अगर आज की हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करते जाना चैनल को। सो गाइस फिर मिलेंगे एक बहुत अच्छी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी एंड न्यूज़ एंड आपका जॉब ऑफर्स के साथ, बट तब तक के लिए वेट करना हमारे अपने YouTube चैनल FO Overseas पर। सो गाइस तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।